नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा यादव और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मनरेगा के तहत 100 मजदूरों को मिला काम, ग्राम रूपापुर में प्रधान ने की काम की शुरुआत। जालौन में कोविड 19 महामारी के दौरान गरिमा मध्यम वर्ग दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मनरेगा में काम दिया जाता है। विकासखंड माधोगढ़ के ग्राम पंचायत रूपापुर में नवनिर्वाचित प्रधान समर सिंह के द्वारा मनरेगा के तहत लगभग 100 मजदूरों को काम दिया गया। मजदूरों ने गंधा पर काम किया, मजदूरों में खुशी का माहौल है। उन्होंने ग्राम प्रधान समर सिंह दोहरे व पंचायत मित्र राजेश ओझा के इस प्रयास की प्रशंसा की। इस कार्य से ग्राम के मजदूर वर्ग के लोगों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। वार्ता में ग्राम प्रधान समर सिंह ने बताया कि सरकार की हर योजना से पात्रों को लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है। जालौन उत्तर प्रदेश से नील कमल, पत्रकार की रिपोर्ट। नाम क्या है? मेरा नाम ताहर सिंह। किस ग्राम पंचायत? ग्राम रूपापुर। आज आपको यहाँ काम मिला है मनरेगा के तहत, तो कब से काम मिला और इसके पहले कहाँ काम करते थे आप? पहले वर्तमान प्रधान था, उसके यहाँ करते रहे। अब ये वर्तमान प्रधान में 7 तारीख को काम शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रधान है। नहीं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितनी मजदूरी मिल रही है? ये सरकारी तौर पर 200 रुपये होंगे शायद, 204। इससे कब तक काम है चलने की संभावना है आपको? अब जो है जब प्रधान तब तक चलाएगा तब तक मैं करता रहूंगा, मैं मजदूर आदमी हूँ। नहीं तो लॉकडाउन में आप इसके पहले कहीं काम? नहीं, बाहर नहीं थे, ना काम मिला है। राजेश ओझा, ग्राम पंचायत रूपापुर और ग्राम रोजगार सेवक। अच्छा, आज आपके द्वारा यहाँ गांव में गंधा पे काम करवाया जा रहा है, कब से काम शुरुआत हुई, किस योजना के अंदर काम किया गया? मनरेगा के तहत तो हमारा काम चल रहा है, महादेव राठौर खेत से बाबूर दोहरे के खेत तक ये काम चल रहा, आज से ही स्टार्ट हुआ है। कितने मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं? अभी तो यहाँ पर 100 मजदूर लगे हुए हैं। तो ये काम कब तक चलने की? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते। कितना इनको एक दिन का मजदूरी मिलने? 204 रुपये। इसके पहले कभी इनके मतलब ये बताया जा रहे हैं मजदूर का बाहर काम करते थे, तो ऐसा क्या है जी, लोग बाहर जाते थे यहाँ काम नहीं मिलता था क्या? हाँ, इसमें कुछ मजदूर भी शामिल हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे जामनगर रहते हैं, कोई अहमदाबाद रहता है, कोई दिल्ली रहता है, उनको भी जो प्रवासी मजदूर रहेंगे उनको भी काम यहाँ पर हम लोग दिला रहे हैं। और प्रधान हमारे समर सिंह हैं और इनके सहयोग से हम लोग सभी काम कर रहे हैं। क्या नाम है? अर्जुन सिंह। कहाँ के रहने? रूपापुर। आप यहाँ आज काम कर रहे थे आप लोग, तो किस योजना के तहत आपको काम मिला है? और रोजगार गारंटी योजना से। तो ये कब से काम शुरू हुआ है? आज 7 तारीख से शुरू हुआ है। इसके पहले आप कहीं काम करते रहे हैं? हाँ, गुजरात जामनगर। तो वहाँ के बाद आप लॉकडाउन में आए हैं, तो जब से आपको कभी काम गांव में किया है क्या? हाँ किया है इससे पहले। तो जॉब कर पे आपको काम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं काम। इस काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। शीला। किस ग्राम पंचायत? रूपापुर। अच्छा, आप लोग यहाँ काम कर रहे थे, इसके पहले कभी आपने काम किया है? हाँ किया है। कहाँ? ऐसे गांव में मजदूरी किया है। आप लोग यहाँ मनरेगा के तहत आप काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अगर खूब करते रहते हैंगे। यहाँ पे काम करने से आपको कितनी मजदूरी मिल रही है और क्या लगता है इससे आपको भरण पोषण हो सकता है क्या? हो सकता है, 400 मिला। अच्छा, हाँ। कब से शुरुआत हुई? आज 7 तारीख से आज से हुआ है। हाँ।